पांच साल की डेटिंग के बाद आलिया बन गई है रणबीर कपूर की वाइफ, फिर भी नहीं बदली है आरके की लाइफ। मैरिड लाइफ पर मिस्टर कपूर ने किया है बड़ा खुलासा। आखिर क्यों शादी के एक दिन बाद ही अलग हो गए थे रणबीर और आलिया। साथ ही रणबीर ने रिवील किया है अपना हनीमून प्लान, बताया कब मिसेस कपूर को लेकर जाएंगे रोमांटिक वेकेशन पर। जी हाँ, लेडी लव आलिया भट्ट से शादी के बाद भी रणबीर कपूर की जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आया है। यहाँ तक कि उन्हें शादीशुदा होने जैसा कोई खास एहसास भी नहीं होता है। ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद आलिया के सावरिया रणबीर कपूर ने किया है। यूं तो आलिया और रणबीर अपनी पर्सनल लाइफ को बेहद प्राइवेट रखने में ही यकीन रखते हैं, लेकिन शादी के बाद पहली बार रणबीर कपूर ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चुप्पी तोड़ी है और कई खुलासे किए हैं। रणबीर ने बताया है कि शादी के बाद आलिया और उन्होंने कुछ दिन का ब्रेक क्यों नहीं लिया था, आखिर क्यों आलिया ने अपना हनीमून प्लान स्किप किया था। दरअसल हाल ही में रणबीर कपूर ने अपनी मैरिड लाइफ को लेकर एक इंटरव्यू में बात की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि शादी के बाद उनकी जिंदगी जरा भी नहीं बदली है। रणबीर ने कहा है कि हमारी जिंदगी में शादी के बाद कुछ बड़ा बदलाव नहीं आया है। हम पांच सालों से साथ थे तो हमने सोचा कि शादी कर लेते हैं, लेकिन हमारे काम को लेकर कुछ कमिटमेंट्स हैं, पहले उन्हें पूरा कर लें। यानी कि साफ है कि भले ही रणबीर और आलिया ने पांच साल के रिश्ते को शादी का नाम दिया हो, लेकिन उनके लिए उनका काम उनकी पहली प्रायोरिटी है। शादी के बाद से ही रणबीर और आलिया अपने वर्क कमिटमेंट्स में सुपर बिजी हैं। दोनों को साथ बिताने के लिए फुर्सत के लम्हे भी नहीं मिले हैं। आलिया इन दिनों अपनी हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग के लिए लंदन में है, तो वहीं रणबीर कपूर भी अपनी अपकमिंग फिल्म एनिमल की शूटिंग में व्यस्त हैं। दोनों की व्यस्तता का आलम यह है कि शादी से पहले कई बार एक साथ रोमांटिक वेकेशन पर जाने वाले रणबीर आलिया शादी के दो महीने बाद भी हनीमून पर नहीं गए हैं। हालांकि अपने इंटरव्यू में रणबीर ने अपने हनीमून प्लान्स का खुलासा भी किया है। इस बारे में बात करते हुए रणबीर ने कहा है कि शादी के फौरन बाद ही हमने अपना काम शुरू कर दिया था। आलिया अपने शूट के लिए गई और मैं भी अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए मनाली चला गया था। जब वो लंदन से वापस आएंगी और मेरी फिल्म शमशेरा की रिलीज होने के बाद हम एक हफ्ते का ऑफ लेने की सोच रहे हैं। अभी ऐसा कुछ नहीं लगता कि हमारी शादी हो चुकी है। बता दें कि रणबीर की फिल्म शमशेरा इस साल 22 जुलाई को रिलीज होने वाली है। वहीं शमशेरा के बाद 9 सितंबर को आलिया और रणबीर की बतौर जोड़ी पहली फिल्म ब्रह्मास्त्र भी रिलीज होने जा रही है। रणबीर के फिल्मी करियर के लिए ब्रह्मास्त्र और शमशेरा दोनों ही फिल्में काफी अहम हैं, क्योंकि पूरे 4 साल के गैप के बाद रणबीर सिल्वर स्क्रीन पर दिखेंगे। वो आखिरी बार साल 2018 में फिल्म संजू में नजर आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।